ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, अपने को मियां मिट्ठू नहीं समझना है। बुद्धि में रहे जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देखकर सब करेंगे। इसमें बाबा ने हम बच्चों को एक परिवार के रूप से और एक सद्गुरु के रूप से शिक्षा दी है। हमारा ये परिवार है। परिवार में छोटा भाई भी होता है तो बड़ा भाई भी होता है। माता पिता छोटे भाई को बड़े भाई का रिगार्ड रखना सिखाते हैं और बड़ा भाई छोटे को प्यार देता है। ये सामान्य रूप से हर परिवार में माता पिता सिखाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को, हमारा भी तो ये रूहानी परिवार है, तो रूहानी परिवार में बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे से अच्छा कोई है, कोई गुण में है, कोई विशेषता में है, किसी बात में, तो उसका रिगार्ड रखना चाहिए। क्योंकि जिस गुण के कारण से आज मान लीजिए कोई बहुत अच्छा भाषण करता है, उस जैसा भाषण मैं तो नहीं कर सकती, तो उस बात के लिए तो हम उसको रिगार्ड दे सकते हैं ना। कई बार भाई बहन कहते हैं कि हमको दिखता ही नहीं कोई अच्छा गुण उसमें। ऐसे नहीं होता, हमारे देखने का नज़रिया अगर होगा अच्छाई देखने का तो हमको अच्छाई दिख जाएगी। और दूसरा, बाबा ने कहा मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है। मियाँ मिट्ठू क्या होता है कि अपने आप को ही समझता है मैं सब कुछ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ। तो मियाँ मिट्ठू। और तीसरा, बाबा ने कहा कि आप याद रखो, जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देखो। ये बाबा एक हमको दैवी जीवन कहो, अलौकिक जीवन कहो, जीने के लिए एक फॉर्मूला देते हैं कि इस बात को सदा ध्यान पर रख दो, क्योंकि आपको देख करके दूसरे भी करेंगे। प्रश्न है, कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है? गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प न चले। हम आत्मा भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग न लगे, क्रिमिनल असॉल्ट न हो, इसका अभ्यास करना है। मात पिता जो सर्व संबंधों की साखरीन है उसे याद करना है। ये है, बाबा कहता है जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो संकल्प विकल्प उठते हैं, ये सुंदर है या असुंदर है, ये ऐसा है या ऐसी है, ये सब बातें जब हम चर्म को देखते हैं, चर्म चक्षुओं से, तो हमको ये सब चीज़ दिखाई देंगे। लेकिन जिसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं, दिव्य चक्षु से अगर हम देखना शुरू करें तो ये आत्मा स्थिति, आत्मा का भान वो इमर्ज होगा और जो देह का भान है वो मर्ज होता चला जाएगा। प्यारे बाबा ने ये अभ्यास खूब किया। तो संग रहते हुए भी सारा परिवार बाबा के साथ था, लेकिन बाबा को ज़रा भी देहधारियों का कहो, ज़रा भी कहो कि उनके उसका भान नहीं था, लौकिकता का भान नहीं था। ये जो खास बाबा ने बात कही है वो कहिए, घर गृहस्थ में रहते हुए वो आत्माएं जो कि बाबा की बनी है, ज्ञान ले रही हैं और अपनी विकर्मों पर विजय प्राप्त कर रही हैं, तो वो क्या कॉन्शियसनेस रखें,
कॉन्शियसनेस यही रखनी है कि मैं आत्मा और ये भी साथी मेरी आत्मा है। अगर ये आत्मा भान रहेगा तो स्त्री पुरुष का भान निकल जाएगा। गीत है बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम, ये बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती, जब बाप बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो ही जाती है। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा मामा मम्मा की भी माँ है, ब्रह्मा की कोई माँ नहीं। ये माँ ब्रह्मा फीमेल न होने के कारण सरस्वती को माँ कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो ये भी पढ़ते हैं, जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ये भी हैं। शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं है। जो बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा की माँ, ये समझने की बात है कि शिव बाबा ने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया। ब्रह्मा को अडॉप्ट किया तो ब्रह्मा को मुख से जन्म नहीं दिया, अडॉप्शन है, संकल्प से लिया उसको। और उसके बाद बाबा हम बच्चों को जन्म देते हैं। अब उसमें जो बच्चों को जन्म देते हैं उसमें भाई भी होते हैं तो बहनें भी होती हैं, तो बहनों की संभाल के लिए सरस्वती माँ को रखा, यज्ञ की संभाल के लिए सरस्वती माँ को रखा। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो कि ये सबसे जास्ती पड़ता है, देखते हो ये बरोबर नज़दीक है। तो बाबा ने कहा पहले किसके कान सुनते हैं, ये ब्रह्मा सबसे नज़दीक है, तो कहेंगे कि मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं, फिर नंबर वार सब बच्चे पढ़ते हैं। भले ही बाबा कहते हैं जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाते हैं। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते हैं, क्योंकि ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, अंग्रेजी में भी होशियार है। इसको कहा जाता है रिगार्ड, स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा रिगार्ड रखते हैं ना। बाबा ने जगदीश भाई का मिसाल दे करके समझा कैसे रिगार्ड रखना होता है। जगदीश भाई अपने यज्ञ के एक बहुत बड़े स्तंभ थे और उन्होंने सारा लिटरेचर लिखा। यज्ञ की सेवाओं की शुरुआत में उनका जन्म हुआ और उन्होंने जो भी सिस्टम्स हैं वो सेट करने में मदद की है, जो भी बातें हैं ट्रेनिंग की हैं, सिस्टम्स की हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, ईश्वर विश्वविद्यालय के स्ट्रक्चर की हैं, जोन हेड आदि, ये सब बनाना, ये सब आदरणीय जगदीश भाई ने, और लिखा भी बहुत। इसलिए बाबा उनको कहा करते थे इसकी 7 फुट की बुद्धि है, बहुत दूरदर्शी थे, उतने ही निर्माण थे जगदीश भाई, उतने ही निर्माण थे। आदरणीय भाई साहब की विशेषताओं का वर्णन मैं क्या करूं, वे हर किसी को एनकरेज करते थे, प्रोत्साहित करते, कभी उन्होंने किसी को डिस्करेज नहीं किया। कोई कुछ काम करके आता था भाई साहब उसमें से भी कुछ निकाल लेते थे, तो जैसे कहते थे कुछ तो वो करके आया, तो कंट्रीब्यूशन उसका एक्नॉलेज करते थे। और स्वयं क्योंकि बड़े थे तो स्वयं हर बात में आगे रहते थे। अगर उन्होंने मेला ऑर्गेनाइज करें तो ये नहीं कि आप जाइए आपकी ड्यूटी है, ये नहीं, वो स्वयं वहाँ मौजूद हैं, खड़े हैं, तो सब लोग अपने आप और भी करते थे। मैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें उनके जीवन के अनुभव की याद, दिल्ली में रहते थे। फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं कि सभी संबंधों की साकरीन मैं हूँ, मैं कहता हूँ मुझे याद करो, कहते हैं त्वमेव माता च पिता, एक एक बात में निश्चय बैठाना चाहिए, परंतु कोई न कोई बात में संशय आ जाता है, फिर राजाई पद पा न सके, इसलिए बाप कहते हैं मन मना भव। बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे, ये है रूहानी आशिक माशूक, ये पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं, श्री कृष्ण सबका माशूक हो न सके। फिर बाबा ने कहा, ये बाबा ने जो इशारा दिया है वो ये है कि रिगार्ड रखना एक बात होती है,
लेकिन किसी के आशिक तो नहीं बन जाओ, इतने प्रभाव में तो ना आ जाओ जो मनुष्य आत्माओं के आशिक बन जाओ। आशिक जबकि श्री कृष्ण भी माशूक नहीं बन सकता तो और क्या बात है। हर एक बात की समझानी मुरली में मिलती रहती है, बच्चे मुरली नोट नहीं करते फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते हैं। मुख्य बात है आशिक और माशूक की। ये बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं कि बच्चे सदा आप जब क्लास में बैठते हो तो आपकी साथी डायरी है, डायरी में नोट्स लो, नहीं तो मुरली तो चलती है, मुरली से सब कुछ सुन रहे हो, जो बात आपकी क्वेश्चन वाली है उसको नोट्स के रूप में लिखो, नहीं तो बार बार मुड़ मुड़ के वही प्रश्न पूछते रहेंगे। तुम बच्चे इस समय सब नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़ी है, बाप सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता है। अब बाप कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे, फिर भी एकदम छूटता नहीं है, कई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। फिर बाबा ने कहा कि तुम इस समय अननोन वॉरियर हो। वो जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते हैं और बड़े बड़े जाते हैं, कहते हैं सोल्जर्स पर फूल चढ़ाओ। अरे जिसका पता ही नहीं उनका यादगार कैसे बनेगा। जैसे बड़े बड़े शहरों में वॉर मेमोरियल बनाते हैं, उसमें उन सब के नाम लिखते हैं जिनकी जिन्होंने अपने आप को शहीद किया देश के लिए। तो वो बाबा कहते हैं कि वो तो नोन वॉरियर्स हैं, तुम बच्चे अननोन वॉरियर्स, फिर बाद में वेरी वेल नोन हो जाते हो, ये तुम्हारी फिर बाद में पूजा आराधना होती है। अभी तुम अननोन हो फिर वेरी वेल नोन बनते हो, तुम्हारे मंदिर बनते हैं, अभी तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया है। वो कहते हैं ये नास्तिक हैं जो माथा नहीं टेकते। देखिए ये बात जो है आज की मुरली की, ये हमें प्रॉपरली समझनी चाहिए। कई बार हम ज्ञान के नशे में इतना आ जाते हैं, जो परिवार के साथ होते हैं तो हम कहते हैं हम तो माथा नहीं टेकेंगे, हम क्यों माथा टेकें। तो परिवार वालों पर गलत असर होता है, क्योंकि उनकी आस्था उन देवी देवताओं की मूर्तियों में है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ता अगर हम हाथ जोड़ के जरा से सेवा से झुका लेते, अपना क्या जाता है, उनकी तो सेवा होती है ना। उनका वो बिगाड़ जो कि कई समय तक चलता रहेगा तो उससे तो हम बच जाएंगे। तो बाबा ने कहा वास्तव में तुम ही नास्तिक हो, आस्तिक हो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। वो तो नास्तिक हैं जो परमात्मा आस्तिक नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार, क्यों ये बाबा को पहचानना। फिर बाबा ने आज हमें वरदान दिया, नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूरत भव। विघ्नों को देखकर घबराओ नहीं, मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे, हैमर से ही तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं। तो जितना आगे बढ़ेंगे उतना तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए ये तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के। इसलिए ये नहीं सोचो कि क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं, नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो ये विघ्न खेल लगेंगे। और आज का स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर स्वतः फैलती है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। आपके मन में यदि कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज करें या हमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके इन प्रश्नों का उत्तर
प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।